जो दोस्तों कारगिल वॉर हुआ था जस्ट यहाँ पे हुआ था भाई, ये तो सच है, ये है तो हमें, लेकिन फिर यही नहीं है, फिर यही नहीं है। बहुत बहुत मेन मेन बातें हैं जो भाई सुन के बंदा ना रोए ऐसा हो नहीं सकता, 200% रोएगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केपी ब्रदर्स से फिर एक बार। और भाई हम पहुंचने वाले हैं जोजिला पास पे, और भाई यहाँ पे आते आते भाई मजा आ गया। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अब यहाँ से पूरा जोजिला पास पहुंचने में हमें ज़्यादा देर लगेगा नहीं, बस 5-10 मिनट लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे जोजिला पास पे। और भाई ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ से भाई पूरा वॉर भी यहीं से हुआ था, जोजिला पास के लिए ही वॉर हुआ था। अभी हम आगे चलेंगे, हम जोजिला पास पे जैसे ही पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। भाई वहाँ पे हम पहुंचने से पहले मैं सोच रहा था कि हम लेट हो गए हैं जोजिला पास आने के लिए, लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना टाइम और लगने वाला है। पवन भी पीछे पीछे आ ही रहा है, मैंने बोला यार जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, ये रहा। और अभी पवन को मैंने बोला है कि भाई अपना स्टिकर लगा दे। ये पता है कौन सा स्टिकर है? बताइए कौन सा स्टिकर है? केपी ब्रदर का। नहीं वो तो ठीक है, केपी ब्रदर का स्टिकर लगाएंगे हम, किसी और का नहीं लगाएंगे। ये स्टिकर कौन सा है? मतलब ये है जो पेटीएम वाला जो पन्नी होता है ना, वो बारिश में भी नहीं भीगता। क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वालिटी ऐसी है कि इसको कितना भी कोशिश कर लो, कहीं का भी ताकत लगा लो, ये फटने वाला नहीं, फटेगा नहीं, कितना भी ताकत लगा के फाड़ दे हाथ से तो नहीं फटेगा, कटेगा। ये लगा भाई एक इस कोने में लगाइयो जल्दी, क्या सेंटर में लगा दे, लेकिन ऊपर में सेंटर में कोई खड़ा नहीं होता। पवन साइड में लगा, सेंटर में कभी कोई खड़ा नहीं होता। दो लगाएंगे ना? हाँ एक उस कोने में लगा ना, ए, ए, इस पे नहीं, ऊपर ऊपर इस पे नहीं, हाँ और हाँ ऊपर की तरफ फोल्ड कर दे। हाँ हाँ हाँ। और भाई यहाँ पे ठंडी इतना है ना, अभी बंदे ऊपर से आ रहे थे द्रास से, बोल रहे भाई द्रास में ना रुकना मत, रुक नहीं पाओगे इतना ठंडे द्रास में। मैं ला कोई नहीं भाई, हम तो द्रास में ही रुकेंगे, कारगिल तक जाते जाते तो ठंड में पागल हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़े बहुत फोटो वोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो मेरे भाई हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस पे, अब यहाँ से एंट्री कराने के बाद हमें आगे जाना है। फिलहाल यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे निकलते हैं जहाँ से अपनी एंट्री होगी। यहीं पे आगे की साइड लगा के अपनी बाइक को और करते हैं एंट्री। अभी मैं दिखाता हूँ जहाँ पे एंट्री होगी, पहले यहाँ पे रुकते हैं भाई अपनी बाइक। अब ये देख सकते हो सामने जो टेबल है जहाँ पे एंट्री होगी अपनी, एक बार ऊपर पे चलते हैं। हाँ हाँ भाई बड़ा मस्त हो रहा है यहाँ पे, भयंकर वाला। चलते पहले करते हैं एंट्री फिर निकल। तो भाई अभी अभी जस्ट हमने मैं वो जो चेक पोस्ट पार करा था वहाँ से मैंने बोला कि यार हम यहाँ से थोड़ा सा दूर बचाए बस द्रास 20 किलोमीटर, तो एक काम करते हैं यहाँ रुकते हैं और यहाँ पे बनाते हैं मैगी। और भाई यहाँ पे ठंड बहुत भयंकर ठंड हो रही है भाई, एकदम हाथ पैर सुन्न हो गए भाई। पानी इतना गर्म क्यों आ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये तो ठंडी पानी देख तेरी बहन की क्या चेंज करा तो भाई सबसे पहले जय श्री राम। आज अपना अगला मॉर्निंग आ चुका है, हमने स्टे करा था यहाँ पे रात में। मैं सोच रहा था हम द्रास पहुँच जाएंगे, पहुँच भी जाते हैं, हम यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर है। तो ऐसा हुआ कि हम आगे गए और जाने के बाद हमने ना वापस आ गए क्योंकि ठंड ज़्यादा थी और हम मैगी वैगी बना रहे थे जैसे कि आपने पीछे देख लिया। तो रात में हमने आके यहाँ पे स्टे करा, यहाँ पे हमने इसलिए स्टे करा क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम लद्दाख आया था तो हम लोग ने यहीं पर रूम लिया था, तो आज भी हमने यहाँ पर लिया। और भाई लोकेशन एक बार चेक करो चारों तरफ, और ये सब ना कुछ नहीं था जब हम आए थे 3 साल पहले, कुछ भी नहीं था, ये पूरा खाली था। सिर्फ था तो क्या था, एक ये रूम था, एक ये रूम था और एक होटल था, वो वाला ये वाला होटल था बस, इसके अलावा कुछ था नहीं। अब ये सारा बन चुका है और रात में भाई गोली चलने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा हम सबको लग रहा था, बट गोली नहीं चल रही थी, किसी की शादी वगैरह थी ना तो उसकी पार्टी के चक्कर में वो बम फोड़ रहे थे और यहाँ पर आवाज़ ऐसे आ रहा था ऐसा लग रहा था बम फट रहा है। और एक चीज़ और चेक कराता हूँ भाई, वो देखो बर्फीले पहाड़ दिख रहा है, एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो भाई। और जब उस पर धूप चमक रहा है ना तो बड़ा ही प्यारा भाई, तारे की तरह टिमटिमा रहा है।
अब यहाँ से हम निकलते हैं सीधा खारदुंगला के लिए, और खारदुंगला पहुँचने में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा जल्दी तैयार हुआ हूँ कि भाई हम जल्दी से निकल जाए यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट हम खारदुंगला, और खारदुंगला के बाद वापस ले में आके स्टे करेंगे, फिर रेंचो स्कूल घूमेंगे हम, फिर आगे आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा आप लोगों को। यहाँ पे फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ, पहले देखो सामान अपना पैक हो चुका है, और ये पवन हर बार की तरह लेट कर रहा है, इस बंदे को कितना भी समझा लो कितना भी, 5 बजे के उठे हुए हैं हम दोनों, एक मैं और ये हम दोनों, तो हम तो रेडी वेडी हो गए, अब इनका इंतजार कर रहे हैं, ये नीचे आएंगे तो हम चलेंगे, बाकी अपना बैग वैग पैक हो गया, पहले इनको आने देते हैं, बैग को बांधने देते हैं और फिर मिलते हैं बाइक पे। तो मेरे भाई हम आ चुके हैं बाइक पे, और भाई सुबह सुबह ठंड कितनी भयंकर है कि अपने लिए देखते हैं भाई 7 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, इससे भी जल्दी देखते हैं बस अब वहाँ से निकलते हैं भाई। पहले रात में पता है हम लोग रात में रुके थे यहीं पे, आगे भाई बहुत बह रहा है कि मजा आ जाता है, वहाँ पे नदी जा रही है तो वहीं पे हम लोग जाके बाइक लेके बनाते अभी दो तीन पार करने के बाद ना यहाँ साइड में रुके थे। ये देखो भाई जगह दिख रही है, यहाँ पे हमने भाई अपना बाइक लेके बनाया था, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ भाई, बहुत सारे रास्ते नए नए से निकल कारगिल भाई, आपको वहाँ पर सारी यादें हैं जो हमारे इंडियन आर्मी की यादें हैं, यहाँ होएगा कुछ। तो मेरे भाइयों फाइनली हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। मैं इसको देख के ना, मैंने क्योंकि भाई मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, 2-3 साल बाद आ रहा हूँ, तो मेरे को ये सारा चीज़ ना नया बना हुआ दिखा, लेकिन मैं तो देख के और कारगिल आगे लिखा था मैप में 58 किलोमीटर, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था, फिर मैं कह रहा हूँ आपस में कि यार ये मेमोरियल ही लग रहा है मुझे, तो खैर आप अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। अब भाई हम अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं जिस चीज़ के लिए हम अंदर आए हैं, ये जितने भी मेजर सोल्जर थे जो यहाँ पे शहीद हुए थे कारगिल में वॉर में, ये सारे उनके बने हुए हैं, और ये देख सकते हो भाई कैप्टन अनुज नायर, और यहाँ पे है विक्रम बत्रा, जो आपने कारगिल मूवी देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ जस्ट अगला वाला ही है, ये वाला है कैप्टन विक्रम बत्रा, ये देख सकते हो भाई, यही है। वैसे ये लोग तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारा तो दूसरा है, हम लोग सेकंड टाइम आ रहे हैं, ताली बजाओ इसके लिए। तो वहाँ पे जो है अपने सारे सोल्जर्स की समाधि बनी हुई है, एक बार हम उस तरफ भी चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफिंग वगैरह भी मिलता है, इस तरफ से इधर जा सकते हैं वीरभूमि, हाँ तो कोई नहीं, वहाँ से वहाँ पे भी वो मिलता है, अब यहाँ से चलते हैं, ये देख सकते हो भाई, कारगिल वॉर 1999, सब चीज लिखा होगा इस पे, जितने भी सोल्जर्स हैं सबों का लिखा होगा, जो छोटे मतलब जो कैप्टन वगैरह है उनका वहाँ पे बना हुआ था, जो मेन थे और जो
जितने भी वॉर में जो शहीद हुए थे बाकी उन सबों का यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो सबकी मेमोरी लिखी हुई है, कौन से सन में बैच नंबर वगैरह सब चीज लिखा हुआ है इस पे। ये 2020 में अभी का है क्या जी? ये देखो जनवरी 2022 में वो भी है अनुज कुमार लिखा हुआ है, ये 20, ये 20 11 18 18 मतलब ऐसे करके पूरा हाँ, लिखा हुआ है। ये आते रहते जो देश बचता है भाई वो इनके लिए बचता है, लेकिन यही नहीं बचते। भाई ये तो सच है, ये है तो हम है, लेकिन फिर यही नहीं है। अब फिर यही नहीं है, यहाँ आने के बाद ना भाई पता नहीं क्या फील करता है इंसान, बट बहुत बुरा फील करता है। बाकी यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, अंदर तो हम जा नहीं सकते। खैर यहाँ से जितना दिख सकता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये क्या भाई, 4 जनवरी 1965, 4 जनवरी 1965। बहुत सारी चीजें लिखी है भाई इस पे, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कभी समय मिले तो यहाँ जरूर आना, यहाँ आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? लग रहा अच्छा? अच्छा क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। वेरी गुड, ये क्यों देखना पड़ रहा है मुझे? नहीं अच्छा इन द सेंस मतलब कि ये कि भाई इनके चक्कर में हमारा देश बचा रहता है, वो अच्छा फक्र। हाँ, और बाकी ये देखने के बाद जो बोलते हैं ना गूज बम्स, वो जरूर आता है भाई। जो दोस्तों कारगिल वॉर हुआ था जस्ट यहाँ पे हुआ था, इसके पीछे इन पहाड़ों में, और यहाँ से नहीं श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक। और भाई अगर यहाँ कोई आए तो मैं उसे बोल रहा हूँ इसके अंदर जरूर आए। असली जो कहानी है, असली जो बात है ना, सब आपको यहीं समझ में आएगा और कहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से ब्रीफिंग मिलेगी, और बिना ब्रीफिंग के तो जाना भी मत, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि आप जाओगे इसके अंदर आप जाओगे और अगर आप पढ़ते हो या देखते हो तो उससे आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी चीज़। जो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आ जाएगा, बट जो ब्रीफिंग में है ना वो बहुत 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 मेन बातें हैं, जो भाई सुन के बंदा ना रोए ऐसा हो नहीं सकता, 200% रहेगा। और ये सारे जितने भी मशीन हैं, जितने भी ये तोप मिसाइल वगैरह जो भी देख रहे हो भाई, ये सब जितने भी कारगिल वॉर में यूज़ करे थे वो सारे लगे हैं, और इसके अंदर ओरिजिनल वेपन रखे हुए हैं जो दुश्मन के थे, और सारे सबूत वगैरह सब मिलेंगे आपको, जितने भी सबूत हैं गोली से लेकर पासपोर्ट जितनी भी चीज़ें सब मिलेगी इसके अंदर। बाकी यहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे। कौन सा वाला? नीचे मत उतरना, बस नीचे मत उतरो, पत्थर पे जाओ। कौन सा वाला? ये देखो ना बत्रा, सबसे लेफ्ट में ना, सबसे ये फर्स्ट में। अच्छा ये भाई, ये देखो, ये विक्रम बत्रा मूवी देखोगे ना, फ्लैग जब वो कारगिल मूवी देखोगे वो देखो तो आपको पूरा ये सीन देखने को मिलेगा, जब बंकर वगैरह उड़ाया था और अपना झंडा लहराया था ऊपर, उसके बाद ही ये सब हुआ था, वॉर शुरू हुआ था। जो मेन जो कारगिल वॉर था वो यही था, जीते तो थे लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा छुपके जो नहीं, टीवी में तो हमने यही देखा है। तो मेरे भाइयों हमने यहाँ पे अंदर अच्छे से भाई देख लिया, और हमने तो ऑलरेडी पहले भी देखा था, मैंने सोचा इन लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देते हैं, दिखा देते हैं, समझ भी लेते हैं। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और भाई एक बैड न्यूज़ था पहले, बट अभी पता नहीं कह तो रहे
मैं बता देता हूँ क्या था। कहानी ये थी कि भाई लद्दाख में 4 दिन से लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन इसलिए चल रहा था, आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा, तो उसमें ऐसा सीन था कि लद्दाख में मना कर रहे हैं कि भाई कहीं से भी कोई आके ना ज़मीन वगैरह ना खरीदे, क्योंकि अगर लोग यहाँ पे बसने लग जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो यहाँ का जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो भाई लोग ख़राब करने लग जाएंगे। तो इसलिए लोगों को यहाँ पे, बाहर के लोगों को प्रॉपर्टी ना ख़रीदने दिया जाए। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा झमेला वगैरह चल रहा था, तो वो खैर आज हट चुका है। अभी बताया यहाँ के लोकल ने कि भाई आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई स्टे वगैरह करने में या किसी भी चीज़ में, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि ना मिले,